दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर डोबरमैन और रॉटवालर की लड़ाई हो जाए तो कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा? आप में से कम 99% लोग को ये नहीं मालूम कि कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में जो रिजल्ट आएगा उससे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कम से कम 2 दिन लगा है और 1 दिन पूरा एडिटिंग हुई है, तो आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो आप में से किसी ने ना लाइक किया, ना सब्सक्राइब किया, ना बेल आइकन दबाया। तो इस वीडियो में आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन यहाँ से दबा दो। तो आप में से 99% लोग को ये बात नहीं मालूम होगी कि कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा, लेकिन इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट है जो फाइट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, उस पॉइंट से आपको मालूम चल जाएगा, जो कि आखिर में जो रिजल्ट आएगा उस पॉइंट से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा डॉग ब्रीड जीतेगा। तो चलते अपने पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट है बाइट फोर्स, ठीक है। तो एक डॉग का बाइट फोर्स कितना होता है? बात करें डोबरमैन की, तो डोबरमैन का जो बाइट फोर्स है वो है 305, मतलब 305 फोर्स बाइट। तो इतना एक डोबरमैन का बाइट फोर्स है। अब बात करें रॉटवाइलर की, तो रॉटवाइलर का जो बाइट फोर्स है वो है 328 पाउंड, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर रॉटवाइलर का जो बाइट फोर्स है वो डोबरमैन से ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट है अग्रेशन, तो डोबरमैन का जो अग्रेशन लेवल है वो रहता है मीडियम। अब बात करें रॉटवाइलर की, तो रॉटवाइलर का जो अग्रेशन लेवल है वो रहता है मीडियम, मतलब दोनों डॉग का अग्रेशन लेवल मीडियम मीडियम है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है सामने वाले डॉग को मारने की, मतलब उसको जान से मारने की टेक्निक। आप समझ सकते हैं टेक्निक, जान से नहीं लेकिन उसको गिराने की टेक्निक या उसे काटने की टेक्निक। तो यहाँ पर बात कर रहे डोबरमैन की, तो डोबरमैन का जो टेक्निक के लेवल है वो है लो। अब बात करें रॉटवाइलर की, तो रॉटवाइलर का भी जो टेक्निक लेवल है वो भी लो है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हाइट। तो एक लड़ाई में हाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करें अब डोबरमैन की हाइट की, तो डोबरमैन का हाइट है 66 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर। अब बात करें रॉटवाइलर की हाइट, तो रॉटवाइलर का जो हाइट है वो है 61 सेंटीमीटर से 69 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट में है वेट। वेट का भी फाइट में इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो बात करें डोबरमैन की, तो डोबरमैन का वेट होता है 40 किलो से 45 किलो, डोबरमैन का वेट होता है। अब बात करें रॉटवाइलर की, तो रॉटवाइलर का जो वेट होता है वो होता है 50 किलो से 60 किलो तक। तो यहाँ पर रॉटवाइलर का जो वेट है वो डोबरमैन से ज़्यादा है। और बात करें हाइट की दोबारा से, तो हाइट डोबरमैन की ज़्यादा है रॉटवाइलर से। अब बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट की, तो यहाँ पर कम से कम रिजल्ट ऐसा है, मैं आपको बताऊं, बाइट फोर्स ज़्यादा है रॉटवाइलर का लेकिन हाइट ज़्यादा है डोबरमैन की, और वेट ज़्यादा है रॉटवाइलर का। तो यहाँ पर एक रेशियो निकल के आया है, वो रेशियो है 60-50, मतलब 60% जीतने के चांसेस है रॉटवाइलर के और 50% जीतने का चांसेस है डोबरमैन का। तो यहाँ पर ये रेशियो निकल के आया है, मतलब दोनों डॉग कैपेबल है एक दूसरे को हराने के लिए, लेकिन जीतने के ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर रॉटवाइलर के। तो एट द एंड रॉटवाइलर और डोबरमैन का फाइट होगा, तो रॉटवाइलर के जीतने का चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को बनाने में को 2 दिन लगे हैं और 1 दिन एडिटिंग में लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, और हाँ, अपने दोस्तों के वीडियो का लिंक दो और बोल कि भाई तुम लोग को भाई मानते तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं कल की न्यू वीडियो में। अपना और अपने डॉग का अच्छे से ध्यान रखना। बाय बाय।